अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बना रहे हैं कैरी का गुड़म्बा। ये गर्मियों की बहुत ही खास डिश है और बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है। इसके लिए हमने कैरियाँ ली हैं और उनको क्यूब्स की फॉर्म में काट लिया है। अब हम एक फ्राइंग पैन में घी लेंगे और कैरी के क्यूब्स को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम साथ ही साथ एक देगची में घी लेंगे और उसमें हम 3 से 4 लौंगे डाल के उनको कड़कड़ा लेंगे। अब हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। सूजी को अच्छे तरीके से भून लें ताकि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। हमारी कैरियां भी फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको भुनी हुई सूजी में शामिल कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालें ताकि सूजी जलने नहीं लगे और इसमें हम डाल देंगे गुड़। जैसा कि डिश का नाम है गुड़म्बा, तो हम इसके अंदर गुड़ ही यूज़ करते हैं। आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट और जो कलर गुड़ डालने से आता है वो बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का होता है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गुड़ जो है वो मिक्स हो जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि सूजी और कैरी अच्छी सी पक जाए। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, इस तरह ये पतली सी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। हमारा मज़ेदार कैरी का गुड़म्बा तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसका बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी ये नई सी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।